वैसे तो आज का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक यही है कि आ, ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स ट्रिगर्स हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको रिलैप्स की तरफ वापस बीमारी की तरफ लेकर जाती हैं ठीक है वो हम बात करेंगे बट चूँकि नई फैमिलीज हमारे पास में बैठी हैं कि आ, हम जिस मर्जी कारण इधर आए हैं चाहे डिप्रेशन है एडिक्शन है नशे की बीमारी है हम दिमाग के अस्पताल में बैठे हैं ठीक है और जब भी हम बोलते हैं ना दिमाग खराब हो गया वो सुनना अच्छा नहीं लगता लगता है कि कोई गाली दे रहा है क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही बोलते हैं तेरी मत मारी गई है या तो हम मजाक उड़ा रहे होते हैं या हम उसको बोलते हैं कि तू ऐसा काम क्यों कर रहा है ये तो वो करता है जिसका दिमाग खराब हो जाता है ना तो बचपन से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि दिमाग खराब होने का मतलब एक गाली है या कोई हंसी मजाक वाली बात है ठीक है लेकिन आज हम कहाँ बैठे हैं दिमाग के अस्पताल में यहाँ पर बैठकर हमें दिमाग की परिभाषा को रिडिफाइन करना है ठीक है कि दिमाग भी शरीर का हिस्सा है जैसे शरीर के बाकी हिस्से बीमार हो सकते हैं तो दिमाग भी बीमार हो सकता है ठीक है और ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा साइंस पढ़ने की या बहुत गहराई में जाने की जरूरत है दो चीजें हमें समझनी है जो हमें बताती हैं कि दिमाग कैसे खराब होता है ठीक है जिसमें हमें यह समझना है कि दिमाग के दो मेन पार्ट्स हैं एक ये मथे वाला ठीक है इसको बोलते हैं इंसानी दिमाग ये मत है एनु मत ठीक है ये इंसानी दिमाग है यहाँ पे लॉजिक होता है यहाँ से हम समझते हैं यहाँ से हम फैसले करते हैं ये हमारी जिंदगी की ब्रेक है ये सही और गलत में अंतर बताती है ठीक है और ये जो हमारा पीछे ये वाला ब्रेन है ये जानवर दिमाग है हम पहले जानवर थे इवॉल्व होके इंसान बने तो ये लाखों साल पुराना है इसको चिम ब्रेन, बंदर दिमाग भी बोलते हैं बहुत तेज है खुराफाती दिमाग है ठीक है यहां पे हमारे इमोशंस होते हैं फीलिंग्स, भावनाएं, है। ठीक है ये जिंदगी के बेसिक फंक्शन करते हैं जो जिंदगी के बेसिक फंक्शन है वो क्या है खाना खाना ठीक है फूड सेक्स स्लीप सांस लेना ये हमें बताता है कि भागो या लड़ो हमें बचाता है ठीक है तो ये हिस्सा भी जरूरी है और ये जानवर के पास ये मत नहीं है ये मत सिर्फ हमारे पास में ठीक है थीके? तो दूसरी चीज हमें समझनी है जैसे शरीर के अंदर खून है शरीर के अंदर सेल्स है शरीर के अंदर ऑक्सीजन है उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स हैं 200 से ज्यादा ठीक है, जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में सब कुछ संतुलन में होना चाहिए अगर बॉडी का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाए तो इसका मतलब फीवर आपको कुछ इंफेक्शन हो गई है कुछ प्रॉब्लम हो गई है अगर आपके प्लेटलेट्स बढ़ जाएं, गिर जाएं, तो हमें बीमार हो जाते हैं अगर हमारा खून कम हो जाए तो कमजोरी आ जाती है इसी तरह से हमारे दिमाग के जो केमिकल्स हैं वो भी बैलेंस में संतुलन में रहने चाहिए ठीक है तो दिमाग जब ठीक होता है तो ये चीज समझनी है जैसे बाबा जी भी कहते हैं मत उची तो मान लेते हैं इसके पास सिक्सटी परसेंट ताकत है ये हमारा कमांडर है ये हमारा कैप्टन है मत की चलती है ठीक है और इसके पास फोर्टी परसेंट ताकत है ये दोनों आपस में तालमेल में चलते हैं यहाँ पे है, पे चाहते हैं हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं ये खाना है वो करना है ठीक है तो जब कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही होती है इस तरफ से तो ये आके बड़े भाई की तरह उसको संभाल लेता है ये ब्रेक लगा देता है नहीं ये नहीं करना अब इससे ज्यादा नहीं खाना ठीक है तो और दूसरा जब दिमाग ठीक होता है तो ये केमिकल बैलेंस में होते हैं संतुलन में होता है अब हम बात करेंगे दिमाग खराब होना क्या होता है ठीक है दिमाग जब खराब होगा तो ये सिक्सटी परसेंट ताकत इसके पास चली जाएगी और मत की नहीं चलेगी मत कमजोर हो जाएगा ठीक है तो इसका जो तालमेल है वो डिसकनेक्ट हो गया अब जानवर दिमाग की चल रही है और इंसानी दिमाग की नहीं चल रही जो एग्रेशन है जो जानवर तो नहीं इंटरैक्ट करता कम्युनिकेट करता जो गुस्सा आ रहा है जो सारी चीजें हो रही है अब वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पेशेंट का दिमाग का सिर्फ ये हिस्सा एक्टिव हुआ हुआ है और जो समझ वाला हिस्सा है जो उसकी ब्रेक है वो फेल हो चुकी है दूसरा जो केमिकल्स हैं हम तीन चार दिन से पांच पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं जो पांच केमिकल हैं वो अब संतुलन में नहीं है या तो वो केमिकल्स बढ़ गए हैं या जो जरूरी केमिकल्स चाहिए जैसे डिप्रेशन में घट गए हैं ठीक है या वो केमिकल्स इतने ज्यादा हैं कि जैसे बाढ़ आ गई है केमिकल की कुछ पता ही नहीं चल रहा दिमाग में क्या हो रहा है खिचड़ी बन गई है केमिकल्स की मैस हो गया है पूरा तो मतलब जब जरूरत से इतने ज्यादा बढ़ जाए कि पेशेंट को पता ही नहीं चले कि सामने माँ है बाप है कहां बैठे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता तो इसको कहते हैं दिमाग का खराब होना ठीक है ब्रेन डिसऑर्डर ब्रेन इलनेस मेंटल इलनेस इसको कहते हैं बहुत फैमिली इसको लगता है और वो बोलते हैं कि पागल है पागल लोग ठीक नहीं हो सकते हमारे पेशेंट पागल नहीं है ना ही हमारे पेशेंट गलत इंसान है हमारे पेशेंट गंदे लोग नहीं है कैरेक्टरलेस भी नहीं है कि वो गलत हो गए वो जानबूझ के कर रहे हैं जैसे अगर हमारे पेशेंट को उल्टी आए तो हम उसको आउटकास्ट तो नहीं कर देते ना कि ये तो गलती हो गया इसका कैरेक्टर खराब हो गया इसने उल्टी कर दी तो अगर पेट में खराबी है इनडाइजेशन है उल्टी कर दी तो अगर दिमाग के केमिकल खराब हैं, तो बाहर भी खराब ही चीज निकलेगी दिमाग क्या निकालता है सोचे तो सोचे बीमारी निकलेंगी निकलेगी ना उसका जो बिहेवियर है स्वभाव है फीलिंग है मूड है सब कुछ ब्रेन करता है अब जब ब्रेन की मशीन ही खराब हो गई तो कैसे होगा फिर ये वाली चीजें स्पेशली जो हमारे नए परिवार बैठे हैं ये समझने की जरूरत है जब वो कह रहे थे कि वो जो दूसरा बेटा है वो बड़ी सेवा करता है वो बहुत अच्छा है अच्छा आपका ये बेटा भी है मगर उसके दिमाग में खराबी आ गई है ठीक है स्पेशली नशे के, के केस में जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वीट एलर्जी है जब वो गेहूं खाते हैं वो बीमार हो जाते हैं बहुत सारे लोग सी फूड नहीं खा सकते मच्छी वगैरह वो जैसे ही खाते हैं उनके बॉडी पे वो धब्बे एलर्जी हो जाती है इसी तरह से कुछ शरीर ऐसे बने हैं दुनिया में जो नशे के लिए नहीं बने तो जैसे ही उनके अंदर नशा गया केमिकल रिएक्शन हो गया केमिकल्स खराब होना शुरू हो गए पहले दिन से ही तो ये ये फिजिकल इलनेस है शारीरिक शारीरिक फिर मानसिक क्योंकि मत अंदर बैठी है जब मशीन हार्डवेयर खराब होगा तो सॉफ्टवेयर तो चलना ही नहीं है मत और मन दोनों बीमार हो गए तो अगर हमें हेल्दी जिंदगी जीनी है हमें ठीक होना है हमें अपनी लाइफ बेटर लीड करनी है तो मत का भी ठीक होना जरूरी है और मन का भी ठीक होना जरूरी है तो जैसे हर बीमारी का इलाज का एक नाम होता है कि फिजियोथेरेपी इलाज है कीमोथेरेपी इलाज है हमारे ट्रीटमेंट का क्या नाम है और पूरे को क्या कहते हैं और रिकवरी प्रोग्राम रिकवरी मीन्स वापस हासिल करना क्या हम नशे को वापस हासिल करना चाहते हैं हम क्या वापस हासिल करना चाहते हैं सेहत सबसे पहले जिंदगी क्योंकि ये फेटल इलनेस है इट इज प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल डिजीज इफ अनट्रीटेड ये जान लेवा बीमारी है दिमाग खराब मीन्स कुछ भी हो सकता है ये डराने की बात नहीं है ये इस बीमारी की परिभाषा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी हुई है तो सबसे पहले अपनी जान को संभालना है जान संभली तो सेहत को ठीक करना है फिजिकल एंड मेंटल और हमने क्या वापस हासिल करना है रिश्ते जो इस बीमारी में रिश्ते क्योंकि घर में कौन सा दिमाग चल रहा है एक जानवर है बाकी सबका इंसान चल रहा है और जानवर दिमाग के साथ रहते रहते घर में सारे आप सोचो चिमब्रेन बंदर ही लड़ रहे है हमारा हिस्सा ही वो चल रहा है रिश्ते वापस हासिल करने हैं और कॉन्फिडेंस क्योंकि हमारा पेशेंट पागल नहीं होता हम नशे की हालत में या डिप्रेशन की हालत में उससे कुछ वीक एक्शन हो जाते हैं वो ऐसे काम करता है कि उसकी हीन भावना हो जाती है उसको अपने आप से शर्म आती है क्योंकि उसको दिख रहा होता है मगर उसकी ब्रेक फेल है वो रुक नहीं पाता तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है वो अपने आप को शीशे में देख नहीं पाता कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूं तो उस शर्म और गिल्ट से उसको और दर्द होता है अब दर्द हमारे पेशेंट के लिए दर्द का क्या मतलब है किससे उसको दर्द को रिलीफ मिलेगा उसके नशे से तो वो फिर और नशा करता है जो कल हम सर्कल की बात करते हैं वो ये है कि कर रहे थे कि नशा किया फिर एक कमजोर एक्शन किया चाहे एक कुर्सी को लात मार दी फिर जब होश आई तो याद आया कि मैंने क्या कर दिया तो शर्मिंदगी हुई गुस्सा आया दर्द हुआ ठीक है अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो क्या किया और फिर फिर वो पीने के के बाद बाद या करने के बाद एक और वीक किया, दोबारा शर्म आया तो इतने सालों से हमारे पेशेंट के अंदर कितना दर्द इकट्ठा हुआ हुआ कितनी शर्म तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा रिस्पेक्ट कहां से आएगी तो पेशेंट को अपनी रिस्पेक्ट भी वापस हासिल करनी है अगर बिना नशे वाला भी कोई पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर है मेनिया है उसमें वो गालियां दे देता है इतनी सारी चीजें करता है फिर जब उसे याद आती है तो उसको शर्मिंदगी होती है तो पेशेंट ने वो भी रिकवर करना है नशा उसकी जिंदगी बन चुका है अब उसको नशे के बिना जिंदगी जीना नहीं आता तो जब नशा उसकी जिंदगी से जला जाएगा तो उसके पास क्या है जीने को? तो उसको जिंदगी जीने के बल देने पड़ते हैं जिसके लिए साइंस ने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जोनिधि मैम भी समझा रहे थे कि एक साइकेट्रिस्ट है जो शरीर को दवाइयां देके ठीक करेगा ब्रेन की मशीन को केमिकल्स को मूड को और जो मत है वो तो ट्रेनिंग से सीखती है कभी आपने सुना है कि ये कैप्सूल खाके मैं कंप्यूटर चलाना सीख जाऊंगी ये कैप्सूल खाके मैं कार ड्राइविंग सीख जाऊंगी जो माइंड है वो तो ट्रेनिंग से सीखता है अब जब दिमाग खराब हो गया तो पेशेंट की दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ती है सेंटेंस नहीं बने थे कि आप फैन का जाके पेशेंट को वहां पे उसको टॉर्चर करो वहां पे उसको इतना पनिश करो कि वो डर से नशा छोड़ते डरते नहीं हमारे पेशेंट हमारे पेशेंट तो मरने से भी नहीं डरते सो so, हमें यहाँ पर बैठ के अपने माइंडसेट जो हम सोचते हैं इतने सालों से वो बदलना पड़ेगा हम अस्पताल में बैठे हैं अस्पताल में बैठ के ये नहीं बोल सकते बड़ा माड़ा है पेशेंट वो बीमार है